गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं शेयर एकेडमी का एक और सेशन। डेट है आज 30 मई और रात के बज रहे हैं 12। लेट नाइट स्टडी का एक और सेशन लेकर हम आपके सामने आए हैं। दोस्तों, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, नाम है शेयर एकेडमी, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियोस को लाइक तभी कीजिएगा जब ये वीडियोस किसी भी तरह से आपके लिए प्रॉफिटेबल हो या फिर इन वीडियोस से आपको कुछ सीखने के लिए मिल रहा हो। अगर आपको लग रहा है कि इन वीडियोस में कोई प्रॉब्लम है, कोई इन्फॉर्मेशन गलत है या कुछ चीज़ें छूट गई हैं, तो आप वीडियोस को डिसलाइक भी कर सकते हैं। बस अपने कमेंट देकर हमें ये ज़रूर बताइएगा कि डिसलाइक करने की वजह क्या है। साथ ही अगर आपके पास किसी तरह के कोई सुझाव हैं इस चैनल को और बेहतर बनाने के लिए, सो अपने सुझाव भी आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर आप चाहते हैं हमारे फ्री ऑफ कॉस्ट व्हाट्सएप ग्रुप या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना, सो स्क्रीन पर आ रहे इस सामने नंबर पर, जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको यहां पर मिल जाएगा, इसमें उस नंबर पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। हमारे मॉडरेटर्स आपको ऐड कर लेंगे हमारे ग्रुप में। शर्त सिर्फ एक है फ्रेंड्स, कि हमारा ये चैनल मार्केट में चल रहे 1000 अदर चैनल्स की तरह नहीं है, जहां पर कि स्पेकुलेशन या फिर जुआ खेला जाता है। हम इस चैनल के माध्यम से शेयर्स को थॉरली एनालाइज करते हैं, फंडामेंटल और टेक्निकल बेसिस पर, और खरीदारी की राय देते हैं पोजिशनल बेसिस पर, जिनमें शेयर्स को मिनिमम एक वीक और मैक्सिमम ईयरली बेसिस पर अपने पोर्टफोलियो में रखा जाता है, या फिर साल से भी लंबे समय के लिए, लंबे समय के पोर्टफोलियोज बनाने के लिए। और इसी के साथ ही हमारे रिटर्न की एक्सपेक्टेशन भी मिनिमम 10% होते हैं शेयर्स के साथ। ओके फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अपने सब्सक्राइबर्स के ही कहने पर हमने एक नई सीरीज जो कि शुरू की थी, लर्न टू अर्न, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुई है फ्रेंड्स। आप सभी की तरफ से अप्रिसिएशन हमें मिला। साथ ही बहुत सारे जो हमारे व्यूअर्स हैं, वो जब ये सीरीज़ देख रहे हैं लर्न टू अर्न की, तो उन्होंने कहा कि बहुत सारे उनके मिथ मार्केट के टूटे, जिनमें से बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आए कि लोग गिरते हुए शेयर्स को एवरेज कर रहे थे, स्ट्रेटजीज बिल्कुल गलत इस्तेमाल कर रहे थे, जिसकी वजह से काफ़ी लॉस हो रहा था उन्हें। सो उन्होंने बताया कि ये सीरीज़ बहुत ही अच्छी है और रिकमेंड किया है हमें कि इस सीरीज़ को हम कंटिन्यू रखें। सो फ्रेंड्स, आज है 5वां वीडियो इसी सीरीज़ का, जिसका नाम है लर्न टू अर्न, और आज का जो टॉपिक है वो है ट्रेंड का बेस्ट यूज़ कैसे करना है। जी हाँ, टॉपिक एक बार दोबारा से दोहरा देते हैं कि ट्रेंड का बेस्ट यूज़ कैसे करना है। एक चीज़ ध्यान रखिए फ्रेंड्स, कि टेक्निकल एनालिसिस बेसिकली ट्रेंड फॉलोइंग ही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। हर टेक्निकल एनालिस्ट मार्केट में किसी भी शेयर के ट्रेंड को पकड़ता है, चाहे वो अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड। बायर्स हमेशा अप ट्रेंड का इस्तेमाल करते हैं और शॉर्ट सेलर्स हमेशा डाउन ट्रेंड का इस्तेमाल करते हैं। हम अभी शॉर्ट सेलिंग की बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ ये मानकर चलते हैं कि अगर किसी शेयर में अप ट्रेंड आने लगा है तो शेयर के अंदर खरीदारी शुरू कर दी जाती है। सो ट्रेंड का बेस्ट यूज़ कैसे करें, अगर आपने ये सीख लिया तो ये समझिए कि आपने टेक्निकल एनालिसिस का 70-80% पार्ट सीख लिया है। इसलिए इस वीडियो को बहुत ध्यान से और पूरा देखिएगा, और कोशिश कीजिए कि इस वीडियो को 2-3 बार रिपीट करके देखने की, ताकि जिस जो भी नॉलेज है इस वीडियो के अंदर, इसे आप आसानी से याद कर सकें। हम इस वीडियो को बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में सिखाएंगे, कोई जार्गन्स नहीं होंगे, टेक्निकल एनालिसिस के कोई हार्ड वर्ड्स नहीं होंगे। अगर आप बिल्कुल न्यू कमर हैं तो भी आप बहुत ही आसानी से सीख सकेंगे। आपकी तरफ से हमें सिर्फ एक हेल्प चाहिए फ्रेंड्स, कि वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में जाकर एक मिनट के लिए थोड़ा सा वक्त निकालिए और कमेंट बॉक्स में जाकर हमें जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा और इस वीडियो से आपको सीखने के लिए क्या मिला। जिस सॉफ्टवेयर का हम इस्तेमाल करेंगे वो है ट्रे टाइगर, आप सभी को पता है वर्जन 2.5 है, बहुत ज़्यादा इसके बारे में बात नहीं करेंगे। सिंपल शुरू करते हैं कि ट्रेंड का बेस्ट यूज़ कैसे करें। तो पिछले वीडियो में फ्रेंड्स आपने देखा था कि ट्रेंड 3 तरह के, एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो कि 1 साल या फिर उससे लंबे समय के लिए, ये निफ्टी का चार्ट है, लंबे समय के लिए 1 साल या फिर उससे लंबे समय के लिए। सेकेंड है मीडियम टर्म ट्रेंड जो कि 6 महीने तक के लिए, और थर्ड है शॉर्ट टर्म ट्रेंड जो कि 3 महीने या फिर 1 महीने के लिए है। ठीक, किसी भी शेयर में परचेजिंग करने के लिए अब ध्यान से सुनिए कि आपको ट्रेंड्स का इस्तेमाल कैसे करना होता है। हम ये मानकर चलते हैं कि हम बिल्कुल न्यू कमर हैं, पहली बार हमने मार्केट के अंदर एंट्री की है और हम टेक्निकल एनालिसिस पहली बार सीख रहे हैं। तो सबसे पहला काम जो हमें करना है वो हमें शेयर का लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखना है। इस चीज़ को ध्यान रखिए, 1 साल या उससे लंबे समय का चार्ट क्या कहता है शेयर का, हमें ये देखना चाहिए। अगर शेयर का 1 साल का चार्ट शेयर को अप ट्रेंड की तरफ दिखा रहा है, तब तो वो शेयर खरीदने के लायक अच्छी तरह से है। अगर शेयर का 1 साल का चार्ट शेयर को डाउन ट्रेंड की तरफ ले जा रहा है, जैसा कि एक एग्जांपल हम आपके सामने लाते हैं DHFL का, तो उस शेयर को अवॉइड करना है। ध्यान रखिएगा, ये चार्ट दिख रहा है आपको, लॉन्ग टर्म चार्ट जो DHFL का है वो डाउन ट्रेंड में है। ठीक, क्यों? करेंटली चार्ट देखिए, चार्ट नीचे की ओर इंगित कर रहा है। जब भी कभी भी आपको ऐसा कोई शेयर दिखेगा
तो आपको पहली ही नज़र में उसे अवॉइड करना है। सेकंड देखिए सुजलॉन, उसके बाद देखिए जेट एयरवेज। ओके, ध्यान से देखते रहिएगा। सुजलॉन लॉन्ग टर्म चार्ट दिख रहा है, डाउन ट्रेंड है पूरा का पूरा शेयर। देन जेट एयरवेज डाउन ट्रेंड में है। सो पहला नियम, अगर शेयर लॉन्ग टर्म में डाउन ट्रेंड में है तो शेयर को परचेज नहीं करना है। ये सबसे पहला नियम ध्यान रखिएगा ट्रेंड के यूज करने का। सेकंड, अगर लॉन्ग टर्म में शेयर अप ट्रेंड में है बट मीडियम टर्म में डाउन ट्रेंड में है, मिसाल के लिए टेक महिंद्रा, ध्यान से देखिए लॉन्ग टर्म का चार्ट अप ट्रेंड में है बट करेंटली शेयर थोड़े से डाउन ट्रेंड के अंदर आया। ठीक, लॉन्ग टर्म में अप ट्रेंड बट मीडियम या शॉर्ट टर्म का डाउन ट्रेंड, ऐसे शेयर्स में भी हम फ्रेश परचेजिंग नहीं करते हैं, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऐसे शेयर्स में भी हम फ्रेश परचेजिंग नहीं करते हैं। क्यों? शॉर्ट टर्म में जो ये डाउन ट्रेंड आ रहा है, शॉर्ट या मीडियम टर्म में, ये किसी ना किसी गिरावट की वजह से आ रहा है, और जब भी कोई ऐसी गिरावट हो तब शेयर के अंदर आपको फ्रेश परचेजिंग नहीं करनी चाहिए। और ये गिरावट क्यों आती है? या तो करेक्शन हो रहा है या प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। जिन लोगों ने निचले स्तर पर खरीदा, शेयर इतनी ऊपर चला गया तो वो थोड़ा प्रॉफिट बुक करेंगे, तो जब प्रॉफिट बुक करेंगे तो शेयर थोड़ा नीचे आएगा। तो लॉन्ग टर्म में अप ट्रेंड है बट शॉर्ट टर्म में मीडियम ट्रेंड या डाउन ट्रेंड आ गया, ऐसे शेयर्स में ना तो इन लेवल्स पर जब ये बिकवाली का टाइम आता है तब फ्रेश खरीदारी करनी चाहिए और ना ही एवरेजिंग करनी चाहिए। इस चीज़ को समझिए फ्रेंड्स, कभी भी गिरते हुए शेयर में एवरेजिंग मत कीजिएगा। अगर आपको नियम बताया जाता है कि मार्केट में गिरते हुए शेयर में एवरेजिंग करिए तो ऐसा कभी नहीं करना है। हमेशा शेयर में परचेजिंग तभी करनी है जब शेयर ऊपर की तरफ चलना शुरू करे। ठीक, अब ज़रा एक एग्जाम्पल और देखिए जो कि है एशियन टाइल्स का। शेयर में फ्रेश खरीदारी करनी थी जब नीचे से ऊपर चलना शुरू हुआ, उसके बाद जब शेयर ऊपरी स्तरों से जो कि तकरीबन 247 के थे यहां से जब डाउन ट्रेंड में आया तब हमने कहा कि फ्रेश खरीदारी नहीं करनी है बट प्रीवियस खरीदारी होल्ड करके रखनी है। क्यों? जो शेयर का चार्ट था शॉर्ट टर्म का वो अप ट्रेंड था और उसके बाद फिर शॉर्ट टर्म में शेयर डाउन ट्रेंड के अंदर आने लगा। जब भी शेयर गिरने लगे, चाहे वो शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म डाउन ट्रेंड हो, कभी भी फ्रेश खरीदारी नहीं करनी है। और उसके बाद जब शेयर दोबारा से घूमा और शॉर्ट टर्म में अप ट्रेंड आने लगा तब फ्रेश खरीदारी के लिए हमने सलाह दी। तो नियम ध्यान रखिए, अगर शेयर लॉन्ग टर्म में डाउन ट्रेंड के अंदर है जैसा कि सुजलॉन के अंदर, तो शेयर में बिल्कुल खरीदारी नहीं करनी है। दूसरा नियम, अगर शेयर लॉन्ग टर्म में अप ट्रेंड में है बट शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म में डाउन ट्रेंड में है तो भी फ्रेश खरीदारी या फिर एवरेजिंग नहीं करनी। अगर ये दोनों ही काम नहीं करने हैं तो आखिर शेयर में खरीदारी करनी कब है? तो शेयर में खरीदारी करनी है दो समय। सबसे पहला, जब मजबूत शेयर, और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, हम जिस भी शेयर की यहाँ डिस्कशन कर रहे हैं इसका मतलब है कि फंडामेंटली वो शेयर स्ट्रांग है। हम कचरा शेयर्स का डिस्कशन कर ही नहीं रहे, सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटली स्ट्रांग शेयर्स के अंदर ही आपको परचेजिंग करनी है। तो क्वेश्चन था कि आखिर फिर शेयर में खरीदारी करनी कब है? तो शेयर में खरीदारी करनी है जब एक मजबूत शेयर ऊपरी स्तरों से गिरे, गिरने के बाद कंसोलिडेट हो और कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट दिखा दे। अगर ये लेवल्स आपको मिल गए तो समझिए कि आपने जैकपॉट हिट कर लिया, यानी ब्रेकआउट अगर आपको मिल जाए और तब अगर आपने शेयर खरीदा तो आपने जैकपॉट हिट कर लिया। अब क्वेश्चन है कि क्या आज के समय में कोई ऐसा शेयर है? तो ज़रा कुछ शेयर्स को हम देखते हैं जिनके बारे में हम बार बार आपसे कहते हैं खरीदारी करने के लिए। मेघमणी ऑर्गेनिक्स, ऊपरी स्तरों से एक मजबूत शेयर गिरता है, गिरने के बाद कंसोलिडेट होता है और कंसोलिडेशन के बाद फ्रेश ब्रेकआउट दिखाता है, इस वजह से हम मेघमणी ऑर्गेनिक्स खरीदने के लिए कहते हैं। दूसरा, मोतीलाल ओसवाल, क्यों हम कहते हैं आपसे कि इस शेयर को खरीदना चाहिए? ऊपरी स्तरों से एक मजबूत शेयर गिरता है, गिरने के बाद कंसोलिडेट होता है और कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट दिखाता है वॉल्यूम के साथ, ये वो समय है जब आप जैकपॉट की तरह शेयर में एंट्री करते हैं। अगर आपके हाथ जैकपॉट नहीं लगता, अगर आप इतने, आपके पास में इतना नॉलेज नहीं है या फिर आप इतने ज़्यादा शेयर्स एक साथ आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, तो फिर आप किस शेयर को खरीदें? जो शेयर अप ट्रेंड में है लॉन्ग टर्म भी और उसका मीडियम या शॉर्ट टर्म भी अप ट्रेंड में है। क्या आज के समय में ऐसा कोई शेयर है?
तो जरा देखते हैं एक शेयर के बारे में जिसके बारे में हम हमेशा कह रहे हैं कि इसे किसी भी लेवल पर खरीद लीजिए, IGL। दूसरा गुजरात गैस, इसके बारे में हम कह रहे हैं कि इसे किसी भी लेवल पर खरीद लीजिए। और अब देखते हैं इन दोनों शेयर्स को। IGL लॉन्ग टर्म में अप ट्रेंड दिख रहा है, लॉन्ग टर्म में अप ट्रेंड, और शॉर्ट या मीडियम टर्म में भी ये करेक्शन आया था, इस समय नहीं खरीदना था IGL, बट अब दोबारा से देख रहे हैं आप कि अप ट्रेंड में आ गया, यानी अब खरीदना है IGL को। सो क्लियर हो गया कि लॉन्ग टर्म में अप ट्रेंड प्लस शॉर्ट या मीडियम टर्म में भी अप ट्रेंड। और अब देखिए गुजरात गैस को, लॉन्ग टर्म में अप ट्रेंड था, फिर अचानक से करेक्शन आया जो कि शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म था ये जिसके अंदर करेक्शन, और फिर से अप ट्रेंड में शुरू हो गया शेयर। तो ये पर्टिकुलर लेवल था जब आपको गुजरात गैस में खरीदारी करनी है। सो क्लियर हो गया कि आपको खरीदारी कब करनी है। अब जरा हम आपके मिथ दूर कर देते हैं जो कि मिथ रखे जाते हैं हमारी आंखों पर जितने भी बिजनेस चैनल्स हैं इनके द्वारा। फ्रेंड्स आज डेट है 30 मई हो गई है, इससे पहले 29 मई का जो सेशन था मॉर्निंग आवर्स में 9:30 बजे दोनों ही प्रोमिनेंट हिंदी बिजनेस चैनल्स पर लॉजिस्टिक शेयर्स डिस्कस होने शुरू हुए। आफ्टरनून में जो हमारा लाइव सेशन था उसमें लॉजिस्टिक शेयर्स के ऊपर धुआंधार लोगों ने क्वेश्चंस पूछे, और जब हमने यही ट्रेंड एनालिसिस उनके सामने रखी तो उनकी आंखें खुल गईं। दो शेयर्स उन्हीं में से हम लेकर आए हैं, सबसे ज्यादा डिस्कस होने वाले शेयर ध्यान से देखिए, गति और स्नोमैन। आज के दिन गति 3.5% बढ़ा हुआ है और स्नोमैन बढ़ा हुआ है 8.5%। आप में से वो लोग जिन्होंने अभी तक ये सेशन नहीं देखा, जिन्हें ट्रेंड एनालिसिस के बारे में कुछ नहीं पता या जो चार्ट नहीं देख सकते हैं, अगर उन्हें पूछा जाए कि गति खरीदना चाहिए या नहीं, तो वो मॉर्निंग के एनालिसिस देखकर बिजनेस चैनल की कहेंगे हाँ सही बात है, लॉजिस्टिक शेयर्स तो बहुत बढ़े हुए हैं, आज सब कहा भी जा रहा है लॉजिस्टिक शेयर्स के बारे में बिजनेस चैनल पर, लाओ खरीद लेते हैं गति को, 3.5% बढ़ा हुआ है, कल हो सकता है 4-5% और बढ़ जाए, या स्नोमैन 8% बढ़ा हुआ है, कल हो सकता है 3-4% और बढ़कर मिल जाए। बट अब दिल थाम कर बैठिए फ्रेंड्स और बुद्धि खोल कर, दिल थाम कर और बुद्धि खोल कर आपका मिथ अभी दूर हो जाएगा। जरा गति को चार्ट पर देख लीजिए, ये चार्ट दिख रहा है। अब जरा एक काम कीजिए, कमेंट बॉक्स में जाकर हमें बताइए कि इस सेशन के बाद अगर आपसे कहा जाए कि आज के दिन क्या गति को आप अपने पोर्टफोलियो में रखने के लिए खरीदारी करेंगे, गति का चार्ट देख लीजिए। कमेंट बॉक्स में जाकर फ्रेंड्स बताइए, आप देखिए कि आपके लिए हम क्या कर रहे हैं। रात के 12:30 बजे जब हमारी टीम को आराम करना चाहिए, जब आप सो रहे हैं अपने बिस्तरों में, उस समय हम आपके लिए ये वीडियोस बना रहे हैं, वो भी प्रॉपर एनालिसिस के बाद। तो थोड़ा सा वक्त निकालिए और कमेंट बॉक्स में जाकर बताइए कि क्या गति को अब आप खरीदेंगे चार्ट देखने के बाद। सेकंड, गति से भी ज़्यादा बढ़िया आज के टाइम में डाटा है स्नोमैन लॉजिस्टिक का, 7.5% बढ़ा हुआ है। ज़रा स्नोमैन लॉजिस्टिक का चार्ट देखिए, ये देखिए दिख रहा है। अब ज़रा इसका भी आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में जाकर ईमानदारी से फ्रेंड्स, अगर 100 व्यूज़ आते हैं तो हमारे पास 100 कमेंट्स होने चाहिए इस वीडियो पर फ्रेंड्स, तभी हमें मोटिवेशन मिलेगा आगे के वीडियोस बनाने का। कम से कम वो लोग जो टेक्निकल एनालिसिस सीख रहे हैं आप लोग तो कमेंट कीजिए, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास मोटिवेशन का और कोई ज़रिया नहीं है। कमेंट कीजिए कि क्या स्नोमैन लॉजिस्टिक को आप खरीदेंगे ये वीडियो देखने के बाद, देख लिया। अब ज़रा हम कुछ शेयर्स का आपके सामने एनालिसिस करते हैं, ट्रेंड एनालिसिस, कि ट्रेंड का यूज़ करते हुए शेयर्स में खरीदारी आपको करनी चाहिए या नहीं। ओके, स्नोमैन क्लियर हो गया, डाउन ट्रेंड के अंदर है, लॉन्ग टर्म भी, मीडियम टर्म भी और शॉर्ट टर्म भी, फ्रेश खरीदारी नहीं करनी है। गति क्लियर हो गया, लॉन्ग टर्म मीडियम टर्म डाउन ट्रेंड खरीदारी नहीं करनी है। DHFL ध्यान से देखिए, डाउन ट्रेंड है, खरीदारी नहीं करनी है, यह है ट्रेंड का यूज। टॉपिक क्या है कि ट्रेंड का बेस्ट यूज क्या है, तो ट्रेंड का बेस्ट यूज यही है कि शेयर्स को किन लेवल्स पर अवॉइड करना है और किन लेवल्स पर खरीदारी करनी है। सुजलॉन डाउन ट्रेंड है मेजर, प्योर अवॉइड करना है, खरीदारी नहीं करनी। जेट एयरवेज ध्यान से देखिए, बिजनेस चैनल्स पर लोग बता रहे हैं कि करंट गवर्नमेंट का एक मेन मोटो रहेगा जेट एयरवेज को दोबारा पटली पर लाना, और ज़रा ध्यान से देखिए जेट एयरवेज का हाल। अब बताइए कि चार्ट देखने के बाद क्या आप जेट एयरवेज खरीदेंगे। फ्रेंड्स इन कमेंट्स को लिखने में आपको 5 से 10 सेकंड से ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, सिंपल लिखिए जेट एयरवेज खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे, आपके कमेंट से हमको बहुत मोटिवेशन मिलेगा फ्रेंड्स। अब देखिए टेक महिंद्रा, लॉन्ग टर्म में अब ट्रेंड है बट शॉर्ट टर्म के अंदर शेयर डाउन ट्रेंड में है, क्या खरीदारी करेंगे इन लेवल्स पर या एवरेज करने की कोशिश करेंगे। एशियन टाइल्स लॉन्ग टर्म में डाउन ट्रेंड था, डाउन ट्रेंड के बाद ब्रेकआउट मिला है,
ब्रेकआउट के बाद शेयर चलना शुरू कर रहा है, शेयर्स खरीदने का आइडल टाइम है ये एशियन टाइल्स को। मोतीलाल ओसवाल, डाउन ट्रेंड के बाद चैनल के अंदर शेयर फंसता है, ब्रेकआउट देता है वॉल्यूम के साथ, आइडल सिचुएशन है जैकपॉट की। आईजीएल, लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड, थोड़ा सा करेक्शन होता है मीडियम टर्म में, और शॉर्ट टर्म फिर से अप ट्रेंड, यानी जो अप ट्रेंड था लॉन्ग टर्म का वो अगेन मेंटेन हो गया। फ्रेश खरीदारी बिल्कुल करनी चाहिए। गुजरात गैस, सेम वही हाल, लॉन्ग टर्म में अप ट्रेंड था, थोड़ा सा करेक्शन आया और फिर शॉर्ट टर्म में दोबारा से अप ट्रेंड शुरू हो गया। अप ट्रेंड रिज्यूम होना मतलब फ्रेश खरीदारी करना शुरू कर देना है। केपीआर मिल, हमारा लेटेस्ट ये अर्ली बर्ड शेयर है, लॉन्ग टर्म में अप ट्रेंड, थोड़ा सा करेक्शन आया और करेक्शन के बाद अब देखिए क्या हो रहा है, एक कंसोलिडेशन जोन जिसका कि सपोर्ट लेवल था 593, ब्रेकआउट दे रहा है वॉल्यूम के साथ में, ठीक, और इस ब्रेकआउट के बाद ये जैकपॉट शेयर की तरह है जिसे आपको खरीद कर होल्ड करना है अर्ली बर्ड के तौर पर। एडीएफ फूड, अप ट्रेंड, कंसोलिडेशन जोन, कंसोलिडेशन के बाद फ्रेश ब्रेकआउट, यानी जो अप ट्रेंड था वो रिज्यूम हो गया है, बिल्कुल खरीदारी करनी है। हैवल्स, लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड है, कॉन्टिन्यूस है अप ट्रेंड, शॉर्ट टर्म जो बिल्कुल शॉर्ट टर्म है उसके अंदर थोड़ा सा करेक्शन आ रहा है, जैसे ही ये करेक्शन खत्म हो और शेयर दोबारा से अप ट्रेंड में आए फ्रेश खरीदारी करनी है। मेघमणी ऑर्गेनिक्स, लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड है, थोड़ा सा करेक्शन आता है मीडियम टर्म में और एक कंसोलिडेशन जोन को ब्रेकआउट देता है शेयर वॉल्यूम के साथ। क्यों हम चीख चीख कर कह रहे हैं कि मेघमणी ऑर्गेनिक्स खरीदिए, इसीलिए क्योंकि ये जैकपॉट लेवल है शेयर को खरीदने के। स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज, ध्यान से देखिए, लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड है बट मीडियम टर्म दिख रहा है डाउन ट्रेंड, अब बताइए कि फ्रेश खरीदारी करेंगे स्टरलाइट में। इंफोसिस, लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड है नो डाउट, ठीक है ना, ये लॉन्ग टर्म है, ये अप ट्रेंड है, बट जरा इसका मीडियम टर्म देखिए, मीडियम टर्म में शेयर कहाँ जा रहा है, ये दिख रहा है, सो मीडियम टर्म में शेयर है डाउन ट्रेंड की तरफ, नीचे आ रहा है, सो फ्रेश खरीदारी इंफोसिस में अभी नहीं करनी है। विप्रो, लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड, मीडियम टर्म भी अप ट्रेंड और शॉर्ट टर्म क्या है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है ऊपर से नीचे आता हुआ, सो फ्रेश खरीदारी नहीं करनी है जब तक कि शॉर्ट टर्म भी आपको ऊपर की तरफ जाता नहीं दिख जाता। ये है फ्रेंड्स ट्रेंड का बेस्ट यूज, और इसके अलावा जो हम आपको प्रैक्टिस बता रहे हैं उस प्रैक्टिस को ध्यान से सुनिए और उसे आपको करना है। करना क्या है कि शेयर्स उठाने हैं, जितने भी आपके पास में शेयर्स हों वो खोलना है, उनका चार्ट डेली पैटर्न पर कैंडलस्टिक चार्ट खोलिए, उन्हें देखते रहिए और समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर शेयर का लॉन्ग टर्म पैटर्न, मीडियम टर्म पैटर्न और शॉर्ट टर्म पैटर्न क्या है, और अंदाज़ा लगाने की कोशिश कीजिए कि क्या शेयर को खरीदा जा सकता है। एबी कैपिटल, लॉन्ग टर्म डाउन ट्रेंड है, बिल्कुल अवॉइड करना है। एसीसी, लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड है, शॉर्ट टर्म भी अप ट्रेंड है, फ्रेश खरीदारी करनी है, ठीक, ये एक्सरसाइज है फ्रेंड जो आपको करनी है। द राइट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे चार्ट देखते ही आपको पता जाएगा कि शेयर में खरीदारी करनी है या नहीं, और जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप एक्सपर्ट होते जाएंगे, आपको उतना ही कम टाइम लगेगा शेयर के एनालिसिस में। ये वजह है कि हमें शेयर के एनालिसिस में एक मिनट से भी कम टाइम लगता है, बहुत कम बार ऐसा होता है कि जब कोई शेयर का चार्ट हमें थोड़ी सी परेशानी देता है तो क्या है कि फिर उसमें एडवांस लेवल की टेक्निकल एनालिसिस लगती है। बट अगर ये पर्टिकुलर ट्रेंड एनालिसिस आपकी समझ में आ गई, इसका बेस्ट यूज़ आपकी समझ में आ गया, तो ये समझिए कि आपने टेक्निकल एनालिसिस का तकरीबन 70-80% पार्ट समझ लिया, बशर्ते आप ट्रेंड एनालिसिस का बेस्ट यूज़ समझ जाएं। उम्मीद है फ्रेंड्स कि आज का ये सेशन आपकी आंखें खोल देगा, स्पेशली शेयर को किन लेवल्स पर खरीदना चाहिए और किन लेवल्स पर अवॉइड करना चाहिए इस पर्टिकुलर मोटो पर। अगर ऐसा है फ्रेंड्स और आपको लग रहा है कि ये चैनल और ये हमारे सेशंस आपके लिए किसी भी तरह से प्रॉफिटेबल हो रहे हैं, सो फ्रेंड्स सेशन को लाइक कीजिए, और अगर आप चाहते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना, स्क्रीन पर आ रहे इस मैसेज पर कॉन्टैक्ट कीजिए, अपना नंबर दीजिए, हमारे मॉडरेटर्स आपको ऐड कर लेंगे। शर्त सिर्फ एक है फ्रेंड्स कि आप इंट्राडे ट्रेडर या फिर ऑप्शन ट्रेडर नहीं होने चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पर इंट्राडे ट्रेडिंग या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करते हैं, हम शेयर्स को थॉरोली एनालाइज करते हैं और फंडामेंटली और टेक्निकल बेसिस पर, और मिनिमम पोजीशंस देते हैं वीकली या फिर ईयरली बेसिस पर, लंबे समय के लिए शेयर्स को खरीदारी की राय देते हैं और उसी हिसाब से हम अपने रिटर्न भी एक्सपेक्ट करते हैं। फ्रेंड्स अगर ये चैनल और ये वीडियोज़ आपके लिए किसी भी तरह से प्रॉफिटेबल हैं
सो काइंडली थोड़ा सा वक्त निकालकर कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट ज़रूर कीजिए, और अगर आप चाहते हैं हमारी हेल्प करना तो स्क्रीन पर लेफ्ट साइड में आ रहे इस पेटीएम नंबर पर आप पेटीएम डोनेशन भी कर सकते हैं, आप चाहें तो गूगल पे का इस्तेमाल करते हुए भी डोनेट कर सकते हैं। उम्मीद है फ्रेंड्स आज का ये सेशन आपके लिए न केवल इंटरेस्टिंग रहा होगा, आप जिसे आपको देखने में मज़ा आया होगा, बल्कि आपको ये कुछ सिखाएगा भी। सेशन यहीं पर वाइंड अप करेंगे। थैंक यू वेरी मच।